डियर स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह, मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सॉल्यूशन देखेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.4। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देयर आर सिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, थ्री ड्यू टू रो एंड थ्री ड्यू टू कॉलम। थ्री आपके रो से रिलेटेड होते हैं और थ्री आपके कॉलम से रिलेटेड होते हैं। तो देयर आर सिक्स ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, थ्री ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड थ्री ड्यू टू कॉलम, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी को एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। अब फर्स्ट रहता है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो आर टू कॉलम। हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको अगर इंटरचेंज करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? आर आई, और ये डबल एरो का चिन्ह लगा होता है आर जे। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि हम अब जो भी लेते हैं, जैसे आर वन लिखा हो, आर टू लिखा हो, तो हमारा मतलब हो गया, मीनिंग हो गया कि हम आर वन की जगह पर आर टू कर रहे हैं और आर टू की जगह पर आर वन कर रहे हैं। इसी तरह से हम सिमिलरली लिख सकते हैं कॉलम से रिलेटेड सी आई सी जे। अगर सी टू होता और सी थ्री तो इसका मीनिंग होता कि हम टू के जगह टू, कॉलम टू की जगह पर कॉलम थ्री और कॉलम थ्री की जगह पर कॉलम टू कर रहे हैं। सेकेंड देखते हैं ऑपरेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। मतलब हम किसी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे आर आई इक्वल टू के आर जे, मतलब यहाँ पे वन हो तो वन की जगह पर यहाँ पे के, और यहाँ वन भी लिख सकते हैं, हम टू भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका, लेकिन यहाँ पे वन ही रहे जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, वही चीज़। लेकिन जैसे वन है तो ये भी वन लिखते हैं। सिमिलरली हम कॉलम को लेकर कर सकते हैं इसी तरह से, तो ये होगा। थर्ड ऑपरेशन देख लेते हैं। थर्ड ऑपरेशन होता है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है कि देखिए कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कि जैसे हम इस तरह से करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करें कि ये लिखा हो, इस तरह से हो, जैसे आप आर वन की जगह पर आप कर रहे हैं आर वन और प्लस इसमें नॉन जीरो टू आर टू कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम आर वन में आर टू के टू को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं, ये मीनिंग होगा। तो यही कह रहे हैं द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेज क्या होता है? इन्वर्टेबल देखते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी को बी को हम इनवर्स बोलते हैं आप मैट्रिक्स ए का, या ए को इनवर्स बोलते हैं, ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, इस तरह से होता है। तो अगर ये शर्त होनी चाहिए कि आपकी ए बी इक्वल टू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तब तो इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से हमको समझाते हैं। देखें एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है हमारा ए इक्वल टू टू थ्री वन टू एंड बी इक्वल टू टू माइनस थ्री माइनस वन टू। अब हमको प्रूफ करना है इतना, ए बी इक्वल टू दिखलाना है बी ए, और ये किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ बी और बी इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अब पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, तो मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से चलेगा
अब इसको हम टू में टू का करेंगे मल्टीप्लिकेशन और फिर थ्री में माइनस वन का करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर टू का हम इस थ्री में करेंगे और थ्री का इस टू में करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम इसको टेक करेंगे और जैसे इसमें कर रहे हैं उसी तरह से उसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे ए भी हमको मिला, ये मिलेगा, देखें टू का टू में किए तो फोर और थ्री का माइनस वन में किए तो माइनस थ्री, फिर टू का थ्री में किए तो माइनस सिक्स और थ्री का टू में किए तो सिक्स। अब यहाँ से वन का टू में करेंगे तो टू आएगा और फिर टू का माइनस वन में करेंगे तो माइनस टू। इस तरह से हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम नोट करेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो जितने क्रॉस का, जैसे यहाँ पे टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, ये भी टू क्रॉस टू का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी टू क्रॉस टू की ही मिलनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब सिमिलरली हम फाइंड करते हैं बी ए, तो बी ए इक्वल टू इतना होगा आपका और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट होगा फाइनली हमको इतना मिला। ये भी आइडेंटिटी, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ बी और बी इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ए, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों हमारे यहाँ पे, ये आपका बी ए, ये बी ए है, ये भी नहीं है, तो ये बी ए इक्वल टू हमको मिल गया इतना। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करें तो देखें ए बी इक्वल टू हमको बी ए और बी ए और दोनों मिल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इस इट मीन्स ये बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इक्वल टू ए इनवर्स, या ए इज इनवर्स ऑफ बी दैट इज ए इक्वल टू बी इनवर्स, ये मिलेगा। अब दो थियरम हम देखेंगे उसके बाद से आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो थियरम हमारा फर्स्ट है, इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कह रहा है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये यूनिक होता है। हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के लिए कुछ सपोज कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। हमने सपोज किया कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यही कह रहा है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स If it is exist is unique, तो हमने सपोज कर लिया कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है आप आर्डर यम, इफ पॉसिबल तो अब सपोज कर रहे हैं कि लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, यानी बी और सी जो होते हैं ए के इनवर्स मैट्रिक्स हैं, तो हमको ये दिखलाना है कि बी इक्वल हो जाए सी के, क्योंकि दोनों आपके ए के इनवर्स मैट्रिक्स हैं, तो ये होना चाहिए कि बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, तो देखें प्रूव के लिए हियर वी शो दैट बी इक्वल टू सी, हमको ये शो करना है कि बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी ए के इनवर्स मैट्रिक हैं, तो ए इनवर्स मैट्रिक है यानी बी हमारे सी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए देयरफॉर इतना ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इसको हम कोई नाम दे देंगे रिलेशन फर्स्ट, क्योंकि b आपका a का इनवर्स है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर अगर कोई इनवर्स मैट्रिक है तो a और b इनवर्स मैट्रिक है, तो ये भी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए बी ए, और बी ए इक्वल टू क्या मिलनी चाहिए i। तो हमने सपोज कर लिया कि b और c हमारे a के इनवर्स मैट्रिक है, मीन्स a भी इक्वल टू बी ए, इसको हमने सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लेते हैं कि सी भी हमारा इज इनवर्स ऑफ ए, सी भी इनवर्स है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ए सी बराबर सी ए होना चाहिए, ए भी आई के, इस रिलेशन को हमने टू दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बी इक्वल टू बी आई, अब यहाँ पे बी इक्वल टू बी आई होता है, यहाँ पे देखें जैसे मैथमेटिक्स में होता है जनरली कि टू में हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टू मिलेगा, इसी तरह से मैट्रिक्स होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है
और उस मैट्रिक्स में आई आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो बी इक्वल टू बी आई होता है, और आई किसके बराबर है, ए सी के बराबर भी है, सी ए के बराबर भी है। तो हम लिख सकते हैं बी और कामा में ए सी, ए सी ले लिया। तो अब ए सी आई की जगह पर हमारा यहाँ पे आई है, तो आई को हमने ए सी नोट किया। अब इसको हम तोड़ते हैं और बी को इसके ए को बी के साथ लगाते हैं, तो ये हमको मिला बी ए और सी, और बी ए इक्वल टू बी आई होता है और आई सी इक्वल टू सी। हमारा प्रूफ हो गया बी इक्वल टू सी। यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि बी और सी अगर ए के इनवर्स मैट्रिक्स हैं तो यूनिक तब होगा जब बी इक्वल टू कितना हो जाए, सी के बराबर हो जाए। तो हमारा प्रूफ हुआ बी इक्वल टू सी। अब अनदर एक थियरम लेते हैं, और ये थियरम है हमारा, यहाँ से देखें कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मैट्रिक्सेज ऑफ द सेम आर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से वेरीफाई करने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई कर लेंगे कि प्रूफ कर लेते हैं। तो ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, ये अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दो इनवर्स मैट्रिक्स हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये मिलेगा आपका। तो अब यहाँ पे हम ए बी और ए बी इनवर्स लेकर चल रहे हैं इक्वल टू आई। देयरफोर हम इसको अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, इसके दोनों तरफ हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए इनवर्स ए बी, ए बी और इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे और ए को ए इनवर्स के साथ जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ए इनवर्स ए और बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो अब हमको मिला इतना। अब यहाँ पे देखें कि ए इनवर्स ए और ये हो गया बी, ए बी इनवर्स हो गया। अब ये कितने के बराबर होता है, आई के बराबर होता है, तो हम लिख लेंगे आई बी, ये आई के बराबर और ये बी है और बाकी हमारा वही चीज़ है। और फिर यहाँ पे ए इनवर्स आई इक्वल टू भी मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि अगर आइडेंटिटी, जैसे आप टू में वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू मिला है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी वही होता है कि अगर ए इनवर्स में आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए इनवर्स ही मिलेगा। तो हम इतना लिख लेंगे, तो आई बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई बी इक्वल टू बी होता है तो हम बी लिख सकते हैं और ये बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स का, तो बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इनवर्स, बी इनवर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिलेगा यहाँ से बी, बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये कितना होगा, आई होगा, तो इसको हम नोट कर लेंगे आई ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब फिर आई को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा, देयरफोर ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स ही हमको फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक बार हम एडजॉइंट डिटर्मिनेंट में भी चलेंगे तो वहाँ पे भी ए इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन अगर जब आपके पास शर्त लगा दे, कंडीशन लगा दे कि फाइंड द ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो फिर आपको इसी तरीके से करने होंगे जो इस एक्सरसाइज में होगा 3.4 में। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं 3.4 का, और 3.4 के सॉल्यूशन में हमको बता दें कि आपको क्या करना है। देखिए ए इनवर्स निकालना है, तो जो हमारे पास 6 मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, उसी को हमको फॉलो करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 2, ए 2 1 और ए 2 2, और ये किस आर्डर का है, 2x2 का है, ये ध्यान दें। तो अब आपको करना क्या है कि जब हम फार्मूला, इस फार्मूले का कोई फार्मूला नहीं होता है, बट यहाँ पे अपना
प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़्यादा यूज करना होता है, तो ए इक्वल टू आई ए को लेकर चलेंगे। और यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब देखें कि अब इसको जो आपका मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब कि यहाँ पे आपका वन होना चाहिए और यहाँ पे टू वन के जगह पर जीरो, वन टू के जगह पर जीरो और टू टू के जगह पर वन होना चाहिए। यानी आपको बनाना कितना है, ये बनाना है वन जीरो जीरो वन, ये आपको फाइंड करना है। अगर टू क्रॉस टू का है, थ्री क्रॉस थ्री का जब आएगा तो वैसे एक्सरसाइज में तीन ही क्वेश्चन है थ्री क्रॉस थ्री पर, और ये टू क्रॉस टू पर ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखें कि अब करें क्या, यहाँ पे वन बनाने के लिए अगर मान लीजिए थ्री है, टू है, फाइव है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में आर वन में हम उतने को डिवाइड कर दें कि यह पहले वन बन जाए, और जब यहाँ पे वन बन जाएगा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। जब ये वाला कंप्लीट हो जाए देन आपको यहाँ जीरो करना है, इस जगह पर जीरो करना है, और जीरो करने से पहले, इस जीरो करने से पहले यहाँ वन बनाना होगा आपको, और वन बनाकर तब इसको जीरो करेंगे। ये आपका प्रोसीजर होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो होता है ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आइए हम लोग एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन ही लेते हैं, तो वन में आप सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो देखें वन हमें ए इक्वल टू इतना है, हमको रूल लेना है ए इक्वल टू आई ए। अब ए की वैल्यू पुट करें, आई की वैल्यू और ए की, देन आपको हम समझाते हैं करना क्या है इसमें। देखिए हमने लिख लिया, अब यहाँ पे वन बनाना है आपको, तो ये तो ऑलरेडी वन है तो आप इसको छुएंगे ही नहीं, इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जीरो बनाना है, मतलब आप जिस कॉलम को ले रहे हैं उसी कॉलम को पहले कंप्लीट करिए, तो टू को जीरो करना है। तो टू को जीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें कि ये हमारा R2 है, R2 है और ये R1 है, तो हम पहला काम ये कर दें कि R2 में से अगर 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें R2 की जगह पर, ये ऑपरेशन अगर लगाएं तो हमको यहाँ जीरो मिल जाएगा। यही अप्लाई करते हैं, देन हम इस कॉलम में आएंगे। ये हम पहले कॉलम C1 को कंप्लीट करते हैं फिर C2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कि R2 की जगह पर हमने किया R2 माइनस टू आर वन, अब दोनों साइड करना है, बोथ साइड, सिर्फ एक साइड नहीं करना है, इधर भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब देखें क्या मिला हमको, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए C1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि ये देखिए इसको 3 आर टू सिक्स हुआ वन, और ये इसमें से आर टू आपका सिक्स और सिक्स, और यहाँ पे आर वन, सॉरी ये गलत लिख गया है, यहाँ से आर टू, आर टू में से आपको टू आर वन, हाँ सही टू आर वन करना है। तो देखिए ये माइनस वन और यहाँ पे माइनस टू और इनटू कितना करना है थ्री, तो ये हम सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको मिल गया इतना। यानी R2, R2 जहाँ पे है वहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, तो R2 की जगह पर आप 5 रख दीजिए, यहाँ पे सॉरी 3 है तो आप रख दीजिए, ये इस जगह पर आपका 3 है तो 3 रख दीजिए, यहाँ पे हम 3 रख देंगे, 3 नोट कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 है और फिर कितना है आपका माइनस वन है। तो देखिए 3 ये हो गया और माइनस वन और 2 मिलकर कितने हो गए 2, तो यहाँ पे हमको मिल गया फाइव, तो ये हमारा फाइव आया। यही काम आपको इस साइड भी करना है दोनों तरफ, तो इस तरफ भी वही काम करिए जो यहाँ पे सिमिलर अप्लाई किया गया है। अब देन यहाँ पे जो फाइव है उसको हमको वन करना है, तो वन करना है, तो ये हमारा आर टू है, तो आर टू की जगह पर अगर हम इसमें वन अपॉन फाइव आर टू कर दें तो ये हमारा वन हो जाएगा, और जब ये वन होगा तो हम इसको जीरो बना देंगे, हमारा कंप्लीट। तो देन देखिए अब हम फाइव को डिवाइड करते हैं इसमें, तो फाइव को डिवाइड करेंगे तो आपको इतना मिल गया, इस तरफ आए तो इस तरफ भी करना है। देखिए आर टू में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे टू अपॉन फाइव लग जाएगा,
यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया। सिमिलरली आपको यही काम सब में अप्लाई करना है, दोनों तरफ, इस तरफ हो गया, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो हम क्या करते हैं कि R1 में R2 को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही काम करना है आपको। देखिए कि हमने क्या किया, R1 की जगह पर R1 प्लस R2 ले लिया, अब आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। और ये जो आया, मतलब पहले हम क्या लेकर चले थे, A इक्वल टू आई ए, तो जो आई आपका यहाँ था, आई यहाँ शिफ्ट हो गया और हमको मिल गया यहाँ पे ये है, और जो ये मिला वही आपका इनवर्स है, तो ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। तो हम ए इनवर्स बराबर लिख देंगे इतना, बिकॉज क्योंकि ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स और ए इक्वल टू होता है आई, इसलिए हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला तो बता ही दिया आपको, ए इनवर्स बराबर आई होता है। अब सेकंड लेते हैं, और सेकंड में आपको करना क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए तो क्वेश्चन ये है आपका, और फिर हम वही सॉल्यूशन लेते हैं, ए बराबर आई ए, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, जैसे ये हमारा दिया ही है तो ए बराबर आई ए, ये हमारा टॉपिक हो गया। देखिए यहाँ पे ए बराबर आई ए, अब जो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको यहाँ बनाना है, तो पहला तो यहाँ पे दिखा हमको 2, तो 2 को या तो हम R1 में 2 को डिवाइड कर देंगे, या हम क्या करेंगे इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका R2 है, ये R1 है, तो हम इंटरचेंज कर दें तब भी यहाँ पे R1 बन जाएगा, या डिवाइड कर लें तो R1 बन जाएगा, तो दोनों में से कोई प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, तो आप रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, इसको बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए क्या किया, ये आपका R2, ये R2 है, तो R2, देखिए R2 की जगह पर हमने किया R2 में से 2R1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, यही काम करते हैं। तो देखिए R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 की है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0। अब तो सिंपल हो गया। अब ये काम सिर्फ एक तरफ नहीं करना है, दोनों साइड में आपको करना है, मेरे दोनों साइड में करेंगे तब आप पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं पाएंगे। जो आप प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही प्रोसेस राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे, देन आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। चले अब देखें कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 है, हमको क्या बनाना है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ तो अदरवाइज यहाँ तो 0 है, 0 करना है, लेकिन इसको हमको 1 बनाना है, तो हम R2 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे R2, देन हमको मिल जाएगा ये रिजल्ट। तो देखिए हमने लिखा इतना, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, R2 इक्वल टू माइनस R1 R2, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिल गया। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 की जगह पर, तो R1 अब ये अप्लाई कर लीजिए, यहाँ आपको 0 बनाना है, तो 0 मतलब इसमें से इसको घटा दें, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 कर दें तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, R1 की जगह पर R1 माइनस R2, देन हमको रिजल्ट मिला इतना। अब ये आपका ए इनवर्स हो गया, तो ये इनवर्स बराबर इतना हो जाएगा, और ये यहाँ पे रूल यही अप्लाई किया जा रहा है आई, यहाँ से ये आपके हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और 3 आपका कह रहा है, देखिए फिर वही अप्लाई करना है आपको, इतना हो गया, अब यहाँ से आइए इसको अप्लाई कर लिए, अब यहाँ 1 है ये, तो हमको नहीं छूना है, इसको 0 बनाना है 2 को, तो R2 है, तो R2 में R2 की जगह पर आप क्या करें, R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 कर दें तो हमको ये 0 मिल जाएगा, तो हमने वही किया। अब यहाँ पे आप रख लिए, 0 मिल गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस दोनों तरफ अप्लाई करना है, ये आप बार बार याद रखें कि हमको सिर्फ एक तरफ नहीं करना है, दोनों साइड में करना है, बोथ साइड। तो अब यहाँ पे भी 1 मिल गया हमको,
तो अब इसको जीरो करना है, तो ये तो जीरो हो गया। आर थ्री यहाँ पे आपको जीरो, इसको जीरो बनाना है। तो देखिए कौन सी ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, ये तो हमारा वही चीज़ है, रिपीट कर लिया। अब आर वन की जगह पर आर वन माइनस थ्री आर टू कर देते हैं, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देन हमको इतना रिजल्ट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ, ये इन्वर्स हो गया, तो ये इन्वर्स बराबर इतना हो गया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, अब इतना ले सकते हैं, फार्मूला ए इक्वल टू आई ए लगाइए, और यहाँ से आप यहाँ पे लिखना चाहिए, अच्छा मिस हो गया, पहले ये लिख लेते हैं तब अप्लाई कर लेंगे। चलिए देखिए कि ये तो हमारा आई है, इतना हमारा आई ए इक्वल टू आई ए इतना है, और इसमें चूँकि यहाँ वन बनाना है, तो इस आर वन में हम किसको डिवाइड कर दें, टू को डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा। तो आर वन की जगह पर वन बाई टू आर वन करना है हमको, दोनों तरफ प्रोसेस अपनाना है। तो देखिए यहाँ वन, यहाँ थ्री बाई टू होगा, यहाँ वन बाई टू होगा, ये जीरो है, तो यहाँ पे जीरो ही मिलेगा आपको, हमको इतना मिला। अब देन क्या करते हैं, अब इसको हमको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए आर टू, आर टू में से फाइव आर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ये जीरो। तो एक ये होगा आपका रिजल्ट है, वो मिला था इतना। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं आर टू माइनस फाइव आर वन, क्योंकि यहाँ पहले जीरो बनाना, ठीक है। और जो ऑपरेशन आप आर टू कर रहे हैं, तो आर टू की जगह पर ही चेंज होगा, और दूसरे में कहीं पे भी चेंज, आर वन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब दोनों तरफ हमने ये काम कर लिया, अब करना क्या है आपको, इसको वन बनाना। तो वन बनाने के लिए हम माइनस टू को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो हमको वन बनेगा। तो हम वही काम करते हैं, यहाँ पे आर टू इक्वल टू माइनस टू आर टू, तो ये हमको वन बन जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको इतना। अब आपको इतना जीरो करना है, इसको जीरो करना। इसके लिए क्या करेंगे, आर वन में हम आर वन में से घटा देंगे, आर वन माइनस थ्री बाई टू, टू बाई थ्री इतना करेंगे, तब यहाँ पे जीरो आपका होगा, तो टू बाई थ्री कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस अपना लेंगे, देखिए यहाँ से हम अपना ले आर वन इक्वल टू टू बाई थ्री होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि थ्री बाई टू करेंगे तो फिर, हाँ थ्री बाई टू, सॉरी थ्री बाई टू ही होगा, जीरो आ जाएगा आपका। यहाँ से देखें कि यहाँ पे वन है तो, और ये थ्री बाई टू है, तो आर वन पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। देखिए वन है यहाँ पे, तो ये तो हमारा वन में से ये कुछ भी गुणा करें, ये आर वन की जगह पर रिप्ले वो करना है, तो आर वन वन और माइनस जीरो इंटू थ्री बाई टू, तो हमको मिल गया वन, ये पहला मिल गया आर वन की जगह पर, तो वन हमारा रहा। यहाँ पे अब देखना है, तो देखिए आर वन है थ्री बाई टू माइनस, अब क्या करना है यहाँ पे, थ्री बाई टू आर टू, तो थ्री बाई टू आर टू कितना है वन, तो ये आपका जीरो मिल गया, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस जगह पर जीरो होगा, देन हम लिख लें इतना, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, और ये इन्वर्स बराबर इतना होगा, ये रिजल्ट हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव लेते हैं। तो फाइव में आपका सलूशन हुआ इतना, देखिए कि अब इसको ए बराबर आई ए तो लेकर चलना है, लेकिन यहाँ पे दो प्रोसेस अपना सकते हैं, ये इसको और इसको हम इंटरचेंज कर लें। लेकिन चूंकि आर वन आर वन सारे प्रोसीजर हम आर वन आर टू से कर रहे हैं, तो आर वन आर टू से करेंगे। अगर ये से लेकर चलेंगे तो फिर यही तरीका अपनाना होगा। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे टू को डिवाइड ही कर लेते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे, तो देखिए इतना हमको मिला, और टू को आप डिवाइड करिए, तो टू को डिवाइड करें तो आर वन इक्वल टू वन बाई टू आर वन, तो यहाँ पे वन बाई टू आर वन हो गया, देन हमको मिल जाएगा रिजल्ट इतना। ये बोथ साइड करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको जीरो करना है, तो इसमें से सात आर टू का हम घटा देंगे, तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो आर टू बराबर आर टू माइनस सेवन आर वन, तो ये हमको मिल गया जीरो। अब ये दोनों तरफ हमने प्रोसेजर, अब यहाँ पे वन बनाना है, तो हम टू को मल्टीप्लाई कर देंगे आर टू में, तो यहाँ वन बन जाएगा।
तो हम करते हैं इतना, देखिए कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 इक्वल टू 2R2, तो 2R2 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसको आपको जीरो करना है तो R1 में से कितना, R1 माइनस ये 1/2 R2 कर दीजिए तो जीरो बन जाएगा, तो 1/2 R2, देन हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा इतना। इस तरफ आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा ये इन्वर्स हो गया, तो ये इन्वर्स बराबर आपका मिलेगा इतना, बिकॉज ए इन्वर्स बराबर आई, ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, और 6 है आपका इतना, तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन, फिर ए इक्वल टू आई ए लेकर चलना है हमको, ए की वैल्यू रख दीजिए आप, प्रोसेस अपना लेते हैं, चलिए ये लिख लेते हैं तब अपना लेंगे, ये आपका है। अब इसमें हमको एक्सचेंज करना है, देखिए ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे तो हमको यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हमने एक्सचेंज कर लिया, हमको मिल गया इतना। अब आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 कर देंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा। तो यह करते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं, R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1, अब आप अपनाइए इस प्रोसेस को तो आपको मिलेगा इतना, देन हमको मिलेगा इतना, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, प्लस 1 चाहिए, तो हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, तो R2 की जगह पर माइनस 1 R2 कर लेंगे तो हमको मिलेगा इतना। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, तो अब तो इसमें से 3 ये माइनस कर देना है, R1 की जगह पर हम लिखेंगे R1 माइनस 3R2, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो देन R1 की जगह R1 माइनस 3R2, हमको रिजल्ट मिल जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, ये इनवर्स हो गया, तो ये इनवर्स हमारा मिला इतना। अब हम ले लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए 7th क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, 7th नंबर क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, फिर वही फार्मूला आपका, फार्मूला यही है, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये बराबर आई ए लेकर चलना है आपको, और वही काम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं R1 की जगह पर 1/3 R1 कर लेते हैं, तो हमको मिल गया इतना, दोनों साइड में बोथ साइड में करेंगे तो हमको मिल गया इतना। अब इसको जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, R2 की जगह पर हम लिख देंगे R2 माइनस 5R1, तो हमको जीरो मिल जाएगा, तो ये देखिए R2 की जगह पर हमने लिखा R2 माइनस 5R1, तो ये हमको जीरो मिल गया। अब देखिए कि इस जगह पर 1 बनाना है, तो हम इसमें R2 में 3 R2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको ये 1 मिल जाएगा, देन तब लास्ट में हम इसको जीरो करेंगे, तो हमको मिला इतना। देखिए अब ये अप्लाई करते हैं प्रोसेस 3R2, तो रिजल्ट हमको इतना मिल गया। अब इसको जीरो करना है तो R1 में से कितना आपको माइनस करना है, R1 की जगह पर R1 माइनस 1/3R2, तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना कर दीजिए तो देन हमको रिजल्ट मिल जाएगा ये, और फाइनल रिजल्ट होगा इतना, ये हमारा ए इनवर्स होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इनवर्स बराबर इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। अब ये 4, 5, 3, 4, अब ये आपको वही फार्मूला ए इक्वल टू आई है, तो इतना हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 1 बनाना है तो R1 की जगह पर 1/4 R1 कर लेंगे, तो इतना किए तो हमको मिल गया इतना। अब यहाँ पे 1 बनाना, पहले इसको जीरो करना, तो अब जीरो करने के लिए R2 की जगह पर क्या है, R2 माइनस 3R1, तो ये जीरो बन जाएगा, तो अब ये कर लेंगे हम, इतना ले लेते हैं, देन हम R2 की जगह पर R2 माइनस 3R1 करेंगे तो हमको मिलेगा रिजल्ट इतना। और ये अब क्या करना है, अब आपको यहाँ बनाना है 1, तो इसमें R2 में 4 को मल्टीप्लाई करिए 1 बन जाएगा, तो हमने क्या किया R2 की जगह पर 4R2, तो हमने इतना निकाला,
अब इसम को आपको जीरो करना है, तो R1 में R1 की जगह पर R1 माइनस 5/4 R2, ये देखना है। R1 की जगह पर हमको लिखना है R1 माइनस 5/4 R2, ये होगा। तो अब आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा, देखिए। तो ये हो गया, अब यहाँ पे रिजल्ट हुआ, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। अब ये आपका आई ए इनवर्स हो गया, तो ये इनवर्स हमको मिला इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नाइन नाइन क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन पार्ट वही से ही सिमिलर चलेगा आपका, ए इक्वल टू आई है, तो आप ये लिख लीजिए। अब काम आपका क्या होगा, इसको वन बनाना, तो R1 में 1/3 को डिवाइड कर दीजिए। तो हमने 3 को डिवाइड किया, तो हमको मिल गया इतना। बोथ साइड करना है, इधर भी आएगा, ठीक है। अब आप इसको जीरो कर दिए, तो आप जीरो करने का तरीका हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से कर लिए। तो अब R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 करेंगे, देन हमको मिल जाएगा इतना। अब इसको आपको वन करना है, तो वन तो थ्री R2 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वन मिल जाएगा। तो ये हमको वन हो गया। अब देखिए, R1 यहाँ पे R1 है, R1 में 10/R1 में से 10/3 R2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका ये जीरो हो जाएगा, वही फाइनल रिजल्ट होगा आपका। दोनों साइड में करना है, ये एक साइड में नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो आप इसको क्लियरली ध्यान रखें कि बोथ साइड प्रोसेस को अपनाना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको दोनों तरफ करनी है, एक तरफ नहीं करनी है। इसलिए मैं बार बार ये सब को रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों तरफ बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे अब ये ए इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, और 10 का भी सिमिलर प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे पहले आपको वन बनाना है, तो हम R1 ये पहले लिख लेते हैं, फिर वन बनाने के लिए हम R1 की जगह पर 1/3 R1 किए, हमारा मिल गया वन। अब यहाँ पे आपको अब देखिए, सबट्रैक्ट करने से नहीं होगा, जोड़ेंगे। यहाँ पे हम जोड़ेंगे R2 की जगह पर R2 प्लस 4R1, ये कर दीजिए, तो आपको ये जीरो मिल जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ से R2 की जगह पर R2 प्लस 4R1 करेंगे, तो हमको ये कंप्लीट। अब शुरुआत आपको इसको वन बनाने की है, तो वन बनाने के लिए जितना ये है, जबकि बट्टा में है, तो हम इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे R2 की जगह पर, ये प्रोसेस अपनाएंगे, तो ये वन बन जाएगा। तो हम ये काम कर लेते हैं, देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में हमने ये प्रोसेस, अब इसको जीरो करना है, तो जीरो करना है, तो अब इसमें 1/3 का गुणा करके जोड़ दीजिए R1 में, तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा इतना। तो अब इसमें R1 प्लस 1/3 R2, देन हमारा ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा ये इनवर्स होगा, ये इनवर्स बराबर आप इतना नोट कर लीजिए, तो ये इनवर्स हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 11। तो 11th क्वेश्चन आप करें, तो देखें कि 11th के लिए फिर सिमिलरली हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। ए इक्वल टू आई है, इतना किए। यहाँ पे आपका ये इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर, क्योंकि यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन बन जाएगा, तो इंटरचेंज कर लीजिए आप। तो ये इंटरचेंज हो गए। अब इसको जीरो करना है, तो जीरो करने का प्रोसेस अपनाइए, ये जीरो मिल गया हमको। अब ये हो गया ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जो भी करना है बोथ साइड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये मिल गया, अब यहाँ पे वन बनाना है, तो हम कितना करेंगे, -1/2 को मल्टीप्लाई करें, वन बन जाएगा। तो R2 में हमको -1/2 R2 कर देना, तो R2 की जगह पर हम इतना प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, देन हमको इतना मिल गया। अब ये वन मिल गया, अब इसको आप जीरो कर लीजिए ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, दोनों सर तरफ अप्लाई करेंगे, अब ये हमको फाइनल रिजल्ट मिला, ये इनवर्स। तो हम लिख देंगे ए इनवर्स बराबर इतना। अब ये इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 12, और 12 क्वेश्चन आप ले लें इस तरह से। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा हम जल ग्रहण कर लेते हैं।
ये आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखें, टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि ये इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ये हमने लिया। अब यहाँ पे वन बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, ए बराबर आई ए, और ये हमने फॉर्मूला, अब आर वन की जगह पर 1/6 आर वन करिए ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम करेंगे तो हमको इतना रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे भी 6 करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ये तो आपका 0 ही आएगा। हमको रिजल्ट इस पाली, ये हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। अब सिमिलरली अब क्या करना है आपको, यहाँ करना है 0। तो 0 करना है तो इसमें आर वन में 2 को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दें तो हमको 0 मिल जाएगा। तो हम ये प्रोसेस अपना लेते हैं और ये होगा आर टू इक्वल टू आर टू प्लस टू आर वन, देन ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो हम इसको अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, तो हम लिख देंगे कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब 13 क्वेश्चन लेते हैं, 13 में आप लिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2 -3 -1 2। अब यहाँ पे जब 0 आ जाए तो समझिए कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपका यहाँ पे 2 है, तो पहले तो हम लोग इसको वो कर लेते हैं। अब ये हमको मिला इतना। अब यहाँ पे 1 बनाना है तो 1 बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना। अब इसको हम 0 करेंगे तो इस आर वन और आर टू को ऐड कर दें, हमको मिल जाएगा 0। तो 0 मिल गया, तो ये हमारा मिला इतना। अब यहाँ पे 1 बना आपको करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आर टू में, तो 1 मिल जाएगा। तो हम आर टू की जगह पर 2 R2 लिख देंगे तो हमको मिला इतना। देखिए अब इसको आपको ये 0 हम कर सकते हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ पे 0 आपको करना है फाइनली, तो 0 करने के लिए ऑपरेशन हम अपना कर लेंगे इतना, देन हमको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। ये हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये इनवर्स हमको मिला इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरह से 14, और 14 में आप आइए सॉल्यूशन लेते हैं। ए बराबर 2 1 4 2। अब ए बराबर आई ए अप्लाई करते हैं तो हमको इतना मिला। अब पहला काम यहाँ 1 बनाना है, तो आर वन में हम 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 को डिवाइड किए तो हमको मिल गया रिजल्ट इतना। ऑन बोथ साइड करना है डिवीजन। अब ये 4 की जगह पर 0 बनाना है, तो सिमिलर आपको इजी तरीके से बना सकते हैं हम लोग इसको। अब कौन सा प्रोसेस अपना है, आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, ये मिस हुआ, आर टू की जगह पर आर टू माइनस आर वन नहीं, ये आर टू माइनस आर वन, आर टू ये है आपका, और ये करना है, सॉरी 4 R1 करना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आर टू, इसको पहले हम सॉल्व करके बताते हैं। तो 4 -4 R1 1 = 0। अब 2 को लेके चलते हैं, तो 2 ये हुआ -4 × 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिखें इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे 15। 15 है 2 -3 3 2 2 3 3 -2। अब आपको 3×3 का एक हिंट आप देखें करना क्या रहता है। यहाँ पे हम बनाएंगे 1 पहला काम, देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे बनाएंगे 1 और देन इसको 0 इसको करेंगे, और फिर इसको बनाएंगे 1 और देन इसको 0 और इसको 0 करेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई रूल आप यादें मत करिए, बस ऑपरेशन याद रखें क्या करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना दीजिए, और उसके नीचे जो कॉलम फर्स्ट में आपने बना दिया उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है 0 कर दीजिए ऑपरेशन लगाकर।
देन आप आइए इसमें सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट को आप जीरो वन बनाइए और रिमेनिंग एलिमेंट को जीरो करिए, और थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को वन बनाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट को जीरो कर देंगे बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन वी गेट रिजल्ट, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। आइए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए इतना है हमारा, अब ए इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए है, तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं इतना। तो देखिए अब यहाँ पे वन आपको बनाना है, तो पहला काम होगा हम आर वन में डिवाइड कर देते हैं वन बाई टू को, तो डिवाइड कर लेंगे हमको रिजल्ट आएगा मिलेगा। तो देखिए आप डिवाइड करिए इतना, या हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए इसको और इसको ऐड कर देते हैं, इसको टू टू को ऐड करके थ्री को सब्ट्रैक्ट कर गए तब भी यहाँ वन बन जाएगा, तो वो काम अप्लाई कर लिए। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, हमको मिल गया इतना। तो ये काम दोनों साइड करना है, बोथ साइड, तो आप यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें आपको और इसको जोड़कर इसमें को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपको वन ही मिलेगा। फिर इसमें इसको जोड़कर इस जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसमें इसको जोड़कर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारी पहली लाइन मिलेगी और इसमें हमारी पहली लाइन। अब इसको और इसको जीरो बनाना है, आसान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली आपका ये निकलना, आर टू की जगह पर आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री की जगह पर आर थ्री माइनस थ्री, जितना है उसी का गुणा करके जीरो कर लेना, तो हमको ये जीरो मिल जाएगा, ये जीरो, तो देन हमको मिल गया इतना। देखिए ये रिजल्ट हो गया। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप शुरुआत करेंगे इसमें, तो यहाँ हमको वन बनाना है। अब इसको वन बनाने के लिए क्या करना होगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हमको करना है इस जगह पर वन बनाना है, तो ये हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आर टू और आर थ्री को चेंज कर लेते हैं, आर टू और आर थ्री। देखिए ये फाइव आपका यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज किया फाइव यहाँ पे चला गया, तो इंटरचेंज करिए, तो चेंज कर लिए, तो हमको दोनों साइड करेंगे चेंज भी, चेंजिंग भी हमारी दोनों साइड। देखिए ये चेंज होकर आपका कहाँ चला गया, इस पर आ गया, और ये आपके चेंज होकर कहाँ चले गए, आर थ्री की जगह पर। अब ये हो गया, अब इसको हम बनाएंगे वन। वन बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक बटा पाँच को डिवाइड कर देंगे, तो माइनस वन अपन फाइव को डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये वन बन गया। तो ऑन बोथ साइड, तो आर टू की जगह पर हमने माइनस एक बटा पाँच आर टू किया, और आर थ्री की जगह पर चूंकि यहाँ पे भी वन बनाना है, तो एक ही बार अप्लाई कर लेते हैं कि वो भी वन बन जाए, तो हमको मिल जाएगा इतना। देखिए ये हमारा कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, इसको जीरो करना है, पहला काम तो ये। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब मीन्स आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको यहाँ जीरो, यहाँ जीरो मिल जाएगा। और देन अब जब ये मिल जाए उसके बाद देखेंगे कि इसको, यहाँ तो वन आ चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है, ये जीरो करना आसान है, हम कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं जीरो, तो देन हम रिजल्ट मिला हमको इतना। अब यही काम हम इसमें करेंगे, तो आप जीरो आइए लेते हैं, आर टू की जगह पर आर टू माइनस टू आर थ्री, आर वन की जगह पर आर वन माइनस फोर आर वन, ये तो पुराना रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, ये तो हम लोग कर चुके थे, अब यहाँ पे आपका इतना रिजल्ट मिल गया। देखिए आर टू की जगह पर हमने आर टू माइनस टू आर थ्री किया, और आर वन की जगह पर आर वन माइनस फोर आर वन किया, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो अब यहाँ पे जब इतना हमको मिल गया, तो यहाँ से ये थोड़ा सा हम बैक में देख लेते हैं कि क्या है रिजल्ट। अब ये आइए पहले यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, देखिए ये हो चुका है, यहाँ पे वन है, तो इसको हमको जीरो बनाना है, तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। और ये जीरो करने के लिए हम क्या करें, ये आर टू है आपका, तो हम दो कई तरीके अप्लाई कर सकते हैं, हमको जीरो बनाना है
बस ये समझिए। तो जीरो बनाने के कई तरीके, पहले इसको आप करिए, इसको और इसको जीरो बना लेते हैं, देन तब इसको लास्ट में हम जीरो बना लेंगे। पहले इसको और इसको जीरो बना लेते हैं, यही काम कर लिए हैं। तो ये और ये आप जीरो पहले बनाइए। फोर और टू को जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर वन है। तो आपको जो भी करना है जीरो करने के लिए उतने को जितना रहेगा उतने को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग रिजल्ट लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ये हम अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको मिल गया, ये जीरो हो गया। ये प्रोसेस, ये इसको आप मत रीड करिए, ये गलत लिख गया है। आप जो हमारा प्रीवियस है उसी पर से अप्लाई किए कि आर टू माइनस टू आर थ्री आर वन इक्वल आर वन की जगह पर आर वन माइनस फोर आर थ्री को अप्लाई किए हैं। अब ये और ये जीरो हमारा बन चुका, अब इसको हमको जीरो करना है। तो हम लास्ट में ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये ऑपरेशन लिख गया है तो वही पहले अप्लाई कर लेते हैं, देन हम इसको कर लेंगे। तो हमको मिल जाएगा ये, तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस फोर आर टू कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑन बोथ साइड करना है, ये ध्यान रखें कि ये ऑपरेशन जो होता है दोनों तरफ अप्लाई करना है, इतना आसान नहीं है। बड़े दिमाग को कंसंट्रेट रखें, माइंड को कंसंट्रेट रख के आपको करना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि इसमें रूल नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही इस्तेमाल होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर थोड़ी सी, जैसे बसों में लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ठीक उसमें भी वही है कि अगर आपने सावधानी हटाया तो दुर्घटना घटेगी, क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से गलत है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि करना क्या है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये तो हमारा रिजल्ट हो गया, फाइव को हमने कॉमन ले लिया, माइनस वन बाई फाइव को, तो ये इनवर्स हमारा हो जाएगा इतना। फाइव को कॉमन ले चाहें, सब में फाइव रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मैच कराने के लिए माइनस वन बाई फाइव को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम जल्दी करेंगे, आपको बता दिया। अब करना क्या, पहले इसको जीरो बनाना है, फिर इसको, देन आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको आप जीरो कर लेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए ए बराबर आई ए का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो हमने ए बराबर आई ए फार्मूला अप्लाई किया, अब लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ ऑलरेडी वन है तो हमको चेंज करना ही नहीं, इसको और इसको जीरो बना देना है। तो हम पहले इसको जीरो बनाएंगे, देन इसको या पहले इंटरचेंज कर भी सकते हैं इसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आर टू की जगह पर आर टू प्लस थ्री आर वन, आर थ्री की जगह पर आर थ्री माइनस टू आर वन, देन हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। देखिए ये हमारा जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, अब इधर हमको ये मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ बनाना है इसके जगह पर वन, तो पहले हम इसको वन बनाएंगे और तब आएंगे इस वाले में थर्ड कॉलम में। तो पहले हम आर टू की जगह पर बना लेते हैं, तो हमको मिल गया वन। तो देखिए ये रिजल्ट मिल गया, अब हम करेंगे इसको जीरो और इसको जीरो, देन इस पर तब आएंगे रिजल्ट में। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, और जीरो कहाँ करना है आप उसको देखिए, आर थ्री की जगह पर आर थ्री प्लस आर टू, यानी इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा ये रिजल्ट, देखा ये हमारा जीरो मिल गया। अब आपको इसको वन बनाना है, तो इसको वन बनाने के लिए नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इतना। अब मल्टीप्लाई किए ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये आपको कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है करते हुए। अब इसको और इसको जीरो कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट, देन वी गेट रिजल्ट, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, हमको ये मिल गया इतना, तो ये हमारा हुआ। अब इसको हम जीरो बना लेते हैं, तो ये जीरो बना लेंगे, तो इसके लिए हम लास्ट में एक ऑपरेशन लगाते हैं आर वन माइनस थ्री आर टू, तो हमको मिल गया फाइनल रिजल्ट, ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स, ये हमारा ए इनवर्स है, ये रिजल्ट होगा। तो ए इनवर्स बराबर हम इतना लिख देंगे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, सर ये तो 25 कॉमन लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन एक और है, 18 नंबर, 18 कर लेंगे तो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमको 1 बनाना है, तो पहले ए बराबर आई ए का फार्मूला लगाइए। तो ए बराबर आई ए का फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले में पहले हम पुट करते हैं। पहला काम इसको 1 बनाना है, तो 1 हम बना लेते हैं। ईजी है, आर वन में 2 को डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। तो आर वन में आप 2 को डिवाइड करिए, तो हमने आर वन में 2 को डिवाइड किया तो हमको मिल गया रिजल्ट इतना। ये हमारा रिजल्ट होगा और ये इस रिजल्ट में आपको अब इसको 5 को 0 बनाना है। यहाँ तो सौभाग्य से ही 1 बन गया, तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, आर टू की जगह पर हम 5 R1 कर देते हैं, तो हमारा मिल जाएगा ये 0। अब देखिए इसके अब 0 बनाना है आपको, तो इसमें इसकी जगह पर इतना माइनस इतना कर लेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो 0 बना लेते हैं हम लोग, तो 0 बना लीजिए, R3 - R2। तो ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए दो कॉलम हमारे कंप्लीट हुए, दो कॉलम हमारे कंप्लीट हुए। अब इसको करना है तो यहाँ पे पहले 1 बनाइए, तो हम 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यही काम करते हैं इतना। तो अब आप ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसके लिए तो जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए घटाना पड़ेगा, बस हमारा कंप्लीट रिजल्ट होगा। तो यहाँ से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग ये अप्लाई करते हैं। हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है R2 = R2 - 5/2, R3 R1 = R1 + 1/2। ऑन बोथ साइड, बार बार कहे हम, ऑन बोथ साइड आप अप्लाई करा, तो ये हमको हो गया इतना। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ ए इनवर्स। अब हम निकाल लेंगे ए इनवर्स बराबर इतना, ये हमारा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर देते हैं शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे कब। अभी तो हम लोगों ने ये पार्ट में देखे थे, कॉन्सेप्ट जब देखा था, तो ये आपका रिजल्ट। थैंक यू स्टूडेंट।